थोड़ा सा मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी, ठीक है, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो सब बच्चों को सीखनी है, ठीक है, और ये बाद में बच्चे इससे इसकी वजह से तंग होते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चंस। उसके बाद फिर कुछ आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दे देंगे। तो ये देखो आप सबसे पहले, तो जैसे अभी हमने एक्स वाई प्लेन के लिए एक्स वाई एक्सिस बना दी, अब सबको मालूम है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो हमने कल आपको बताया था कि अगर हम ये मान लेते हैं कि एक रे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर रखी हुई है, तो इस रे का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है जीरो, ठीक है। अब सपोज ये रे एंटी क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट करके इधर आ जाती है, ठीक है, तो सपोज इसका एंगल अभी बन जाता है, लेट से यहां पे आ जाती है, तो ये एंगल सपोज बन जाता है 135 डिग्री। सो वी वॉन्ट टू आस्क आर सेल्स कि हमको साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, या हमें टैन 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आपको पहले सीखना है। तो वो जो 60 डिग्रीज 45 डिग्रीज है ना, साइन 30, साइन 45, साइन 60, ये तो सबको याद होना चाहिए। इसके लिए भी वंशु याद है ना, साइन 45 कितना होता है, हाँ, और कॉस 60 कितना होता है, देखो कॉस 60 बताओ, आगे बैठे हो और आप बता नहीं रहे हो, ये बहुत गलत बात है। मैंने पहले दिन कहा था ना याद कर लो। प्रणव कहाँ है प्रणव, टेन 45, टेन 30, टेन 60, साइन 60, कॉस 60, साइन 30, साइन 60, ऐसे याद होना चाहिए। ही इज ऑल्सो इन 8th क्लास, ठीक है, लगा ना जोर का झटका, ठीक है ना, ऐसे मारते हैं, ऐसे गुस्सा करते हैं, ये गुस्सा करना, ये एक्सट्रीम गुस्सा है हमारा बच्चों के लिए, इट्स वेरी बैड, यू मस्ट रिमेंबर दिस नाउ, ठीक है। तो बाकी सब बच्चों को तो अपने आप ही है कि अगर किसी को भी याद नहीं है, आदित्य साइन 30, वन अपॉन टू याद कर ले, कर लो बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल जरूरी है, बिकॉज जिस जोन में हम जाना चाहते हैं ना वहां पे ये चीज टिप्स में होनी चाहिए। बहुत कम ही चीजों को मैं आपको क्रैम करने को कहूंगा, बाकी तो अपने आप ही क्रैम हो जाएंगे, ये क्रैम करने वाली चीज है, सब बच्चे इसको याद कर लो, जिसको नहीं है वो आज याद कर लो। अभी भी टीचर आपको यही सिखाएंगे, बेटा ये कोई याद करने वाली चीज थोड़ी है, आप में योग्यता होनी चाहिए। देखो ऐसे ऐसे लोग आप में शॉर्टकट की स्किल सिखाते हैं हम लोग, ये देखो शॉर्टकट, ये कई लोग आपको बेवकूफ लोग कहेंगे याद कर लो, इसके जब इतने अच्छे शॉर्टकट है वो चीज याद करो बेटा जो किसी को आती ही नहीं है समझ में, उसको याद करो। ये तो समझ में आया हुआ है पहले से हमारे को, देखो पहले आपने ये लिख लिया, लिख लिया, अब उसके बाद हमने लिख लिया साइन कोस टेन, ठीक है, अब साइन जीरो इज जीरो है ना, और ये 1/2 आ गया, ये 1/√2 आ गया, ये कोई याद करने वाली, ये तो कभी भी पेपर में, जैसे पेपर मिला आपको, पेपर तो मिलेगा तो उसमें पहले ही लिख लो, मतलब दिस काइंड ऑफ टीचिंग इज देयर मोस्ट ऑफ द टाइम। आई हैव नेवर टॉट एनी टाइम दिस थिंग टू माय किड्स, कभी भी नहीं, आप पूछ लो किसी, मैंने कभी भी बताया हो, मैंने हमेशा बच्चों का बेटा इसको याद करना है। हाँ मैं प्रूफ भी जरूर कराता हूँ, मैं सब बच्चों को ये बताता हूँ कि प्रूफ दैट साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, किया आपने प्रूफ साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, हाँ यस, देखो है ना, और बहुत सारे बच्चे अभी 10th भी करके आए होंगे, उन्होंने कभी प्रूव नहीं किया होगा कि साइन 60 √3/2 होता है, ठीक है। तो आई विल नॉट आस्क बट आई कैन टेल यू देन देयर विल बी मेनी पीपल। तो ये ना बेटे आपको ये ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह यूज हो रही है, सर्वव्यापी है पूरी फिजिक्स में है ना, हर चैप्टर में आएगी, तो अगर आप इसके लिए सोच सोच के कर रहे हो तो इट इज अ शेम। तो यही इसमें ट्रिक होती है, आप सारी चीजें याद रखो, ठीक है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, अब इसके ऊपर ध्यान देंगे, साइन 135 कैसे निकालना है, तो अभी ध्यान से सुनना है, 2 ही मिनट में खत्म हो जाएगा। जैसे ये एंगल है, ठीक है, तो रफ वर्क में हम 135 को 90 से डिवाइड कर देते हैं, जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो वैसे हम करेंगे 9, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 45 डिग्रीज, है ना। तो जो बाकी इसके लिए मुश्किल नाम भी है लेकिन ये कॉमन सेंस है, 135 कितना आएगा, 90 × 1 + 45, यही है ना, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऐसे खतरनाक नाम रखा हुआ है, वैसे तो कॉमन सेंस है, ठीक है। तो साइन ये आएगा 90 × 1 + 35 + 45, है ना, ये आ गया, ठीक है। ऐसी तो जब भी आपको किसी भी एंगल का साइन कॉस निकालना है, जैसे आपको निकालना है साइन 225, या आपको निकालना है कोई और एंगल, ठीक है, कॉस ऑफ 405 डिग्रीज, या टैन ऑफ 720 डिग्रीज, कुछ भी निकालना है, तो हम ऐसे रफ वर्क में इसको इस तरीके से लिखेंगे। मतलब ये क्या तरीका है, देखो इसमें 19, इसको हमने ऐसे लिखा है 19 × something, ठीक है, प्लस एन एंगल। आप कोशिश करो कि ये एंगल को, देखो हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोशिश करना कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम आए, या 90 भी आ सकता है,
ठीक है, मतलब जैसे अगर हमारे पास साइन 225 डिग्रीज है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 इंटू 2 प्लस 45, ऐसे लिख सकते हैं साइन 225 डिग्रीज को, ठीक है। तो हमने किया 90 इंटू 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 225 को साइन ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 135, वो भी इतना ही हो जाएगा 225। लेकिन कोशिश ये भी ओके है, इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है, जो हम अभी काम चलाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 135 डिग्रीज, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। लेकिन कोशिश करो कि ये वाला जो एंगल है ये 90 या 90 से कम हो, वो इजी रहता है उससे, ठीक है ना, इट इज इजी टू मैनेज दैट वे। तो बिल्कुल इजी है इसमें। अब साइन 90 इंटू 2 प्लस 45, इसको हमने ऐसे लिख दिया 90 इंटू 1, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सबसे पहले हम एक चीज याद रखेंगे, एक राइम है, उसको आप राइम की फॉर्म में याद रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, अब ये वाला एंगल जो 135 को, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है पावकी, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ हम लिखते हैं ऑल, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं ऑल, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं साइन, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, उल्टा लिख दिया, ठीक है, ऑल साइन। बीच में जो बोलते हैं वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अभी नहीं, उसके पहले समवन वाज विस्परिंग, सो दैट इज व्हाई आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड इन बिटवीन, आई वाज अबाउट टू टेल देम देन आई रिफ्रेंड, तो थोड़ा बीच में ना बोला बेटा। ऑल साइन टैन कोसाइन, ठीक है, ऐसे हमने एक राइम याद कर ली। तो या ऑल लिखेंगे या साइन, तो कई लोग ऐसे याद कर लेते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, या सिंपल राइम ही है ऑल साइन टैन कोसाइन, ऑल साइन टैन कोसाइन, ऐसे चलना है आपको, ठीक है। अब इसमें ऑल का मतलब यह है कि अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चाहे वो 80 डिग्रीज का एंगल है, तो साइन 80 डिग्रीज पॉजिटिव आएगा, कॉस 80 डिग्रीज पॉजिटिव आएगा, ठीक है, टैन 80 डिग्रीज पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ऐसे कोसेकेंड 80 डिग्रीज पॉजिटिव आएगा, कोसेकेंड 85। अगर कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंड, सेकेंड, ठीक है, कॉट, कुछ भी, वो सब पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, तभी हमने और लिखा। लेकिन अगर कोई एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है, जैसे 135 डिग्रीज का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसमें साइन, साइन का मतलब साइन 135 डिग्रीज तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉस 135 नेगेटिव आएगा, टैन 135 भी नेगेटिव आएगा, सेकंड 135 भी नेगेटिव आएगा, साइन और उसका रेसिप्रोकल विच मींस कोसेकेंट, साइन का रेसिप्रोकल तो कोसेकेंट होता है, ठीक है, कोसेकेंट पॉजिटिव आएगा, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव आएंगे। तो ये राइम याद कर सकते हैं, ऑल साइन टैन कोसाइन, या ऐसे याद कर लो ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये वाला, ये साइन 225 कौन आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? साइन 225, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टैन पॉजिटिव है, और 225 डिग्रीज थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं, एंगल 225 डिग्रीज का यहाँ आ गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर आ गए 180 प्लस 25 ऐसे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बन गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन 225 साइन 225 नेगेटिव आ जाएगा, टेन 225 पॉजिटिव आएगा। तो पहले तो आपको यही चेक करना है ऑल साइन टेन को साइन करके कि ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए या नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आप देखो, पहले हम इस ऊपर वाले को करते हैं, तो इसको देखेंगे हम पहले। ये तो हमें मालूम है साइन 135 पॉजिटिव आएगा, तो हम यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे। फिर हम चेक करेंगे कि यहाँ पे 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। देखो ये 90 इंटू 1 है, 90 इंटू 2 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर है 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, 90 इंटू 5, 7, कुछ भी। अगर यहाँ पर 90 का ऑड मल्टीपल है तो देन वी विल चेंज साइन, साइन की जगह यहाँ पे कुछ चेंज आ जाएगा। साइन के पहले देखो, अब दो तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे साइन है और टैन है, ठीक है, और सेकेंड है, इनके पहले को नहीं आता है, ठीक है, और साइन कोसाइन में को आता है, कोटेंजेंट में भी को आता है, कोसेकेंट में भी को आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 90 का ऑड मल्टीपल है, देखो ऑड मल्टीपल है ना 90 का, तो अगर 90 का ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज कर जाएगा, ठीक है। अगर इसमें को नहीं लगा है तो को लग जाएगा, तो साइन के पहले अगर को लग जाएगा तो वो बन जाएगा कोसाइन, साइन के पहले को लगेगा तो क्या बन जाएगा, कोसाइन, ठीक है। अब ये तब है जब ऑड मल्टीपल है 90 का, अगर यहाँ पे 2 होता है तो फिर हम साइन को साइन ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसका काम खत्म हुआ, अब सिर्फ 45 लिखना आपको, ठीक है, बस दैट्स ऑल। तो मतलब पहले हमने 135 को ब्रेकअप करके लिखा 90 इंटू समथिंग प्लस एन एंगल विच शुड लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, लेट्स से 90 तक हो सकता है, ठीक है, पहला स्टेप ये है कि 135 को ब्रेकअप करके लिख लो आप, ठीक है, 90 इंटू 1। उसके बाद चेक करो कि ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए या नेगेटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए,
तो हम यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे, फिर हम चेक करेंगे साइन साइन रहेगा या चेंज होगा। अगर यहाँ 90 का ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज कर जाएगा, साइन का कोसाइन बन जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पे कोसाइन होता, देखो सपोज हम ये फाइंड करते, देखना अब इस पे ध्यान दो, कॉस 135 फाइंड करते तो हम ऐसे लिखते कॉस 90 × 1 + 45। पहला स्टेप तो इसको ब्रेकअप करके लिखा आपने, ठीक है, 90 × something + an angle in first quadrant, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए या पॉजिटिव। अब ये वैल्यू तो नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि कोसाइन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 या इवन मल्टीपल ऑफ 90। ये 90 × 1 है, अब 1 तो ऑड नंबर है, अगर 90 × 2 होता तो वो इवन मल्टीपल हो जाता, ये ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज हो जाएगा। जब भी 90 का ऑड मल्टीपल है तो दिस विल चेंज, इफ देयर इज नो को देन वी प्लेस को, इफ देयर इज अ को देन वी रिमूव दैट को। तो कोसाइन का क्या बन जाएगा, साइन, है ना, ये बन जाएगा साइन, ठीक है। कोसाइन का साइन बन गया और साइन 45 यही आ गया, साइन 45, ठीक है, साइन 45। तो अब ये आप आगे वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना, साइन 45 तो सबको मालूम है 1/√2 और माइनस साइन रह जाएगा, और यहाँ पर कॉस 45 1/√2। ऐसे आप टैन 135 कौन बताएगा, टैन 135, टैन 90 × 1 + जिनने पहले किया उनसे नहीं पूछेंगे, नए स्टूडेंट्स को ही बताएं, टैन 90 × tan 135 निकालना है तो क्या करेंगे। वैसे तो आप ऐसे कर सकते हो, टैन 135 इज दिस अपॉन दिस, क्योंकि टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, -1। लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ब्रेकअप करके लिखा ना आपने 90 × 1 + 45। अब पहले प्लस साइन आएगा या माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। फिर ये ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, ये तो इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो टैन विल चेंज टू, नहीं जिसे पूछे वही बताए बेटा, कोटेंजेंट, टेंजेंट विल टेंड टू कोटेंजेंट, कोटेंजेंट मींस यहाँ पे कॉट आ गया, अगर यहाँ पे कॉट होता तो को हट जाता, कॉट 45। अब ये इजी है, कॉट 45 कितना होता है, कॉट 45 1 होता है, तो ये टैन 135 -1 आएगा। तो अभी और देता हूँ आपको प्रैक्टिस, लिखेंगे एक बार, तो लिखो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल, ऐसे लिख लेते हैं हम 225 डिग्रीज की, लिख कर देखो आप सब लोग 225 डिग्रीज की, मतलब आपको ये लिखना है साइन 225 कितना आएगा, कॉस 225 कितना आएगा, टैन 225 कितना आएगा, ठीक है, कॉट 225 कितना आएगा, ठीक है, ये सारा लिखना है साइन कॉस टैन, ठीक है। लिख दिया आपने, बिल्कुल इजी है। और ये भी लिखना है बेटा इनका रेसिप्रोकल, है ना, कोसेकेंट 225, ठीक है, सेकेंट 225, वो तो आसानी से आ जाएंगे क्योंकि आपको अगर ये पता चल गया तो उसका रेसिप्रोकल करके आ जाएगा। तो इसको हम कैसे ब्रेकअप करके लिखेंगे, जिनको नहीं आया एक बार ध्यान से सुन लो, मैं फिर से बता रहा हूँ। पहले हम रफ वर्क में 225 को ब्रेकअप करके लिखते हैं 90 × 2 + 45, ठीक है, ये रिमाइंडर आ जाएगा 225 को 90 से डिवाइड करते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि अगर ये सपोज 360 डिग्रीज ही हो गया तो ये बन जाएगा 90 × 4 + 0, वो भी कर सकते हैं, 90 × 4 + 0 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए नेगेटिव, पहले ये सोचना चाहिए, जिनको कंफ्यूजन है तो वो ये ध्यान में रखें, यहां तक 90 डिग्रीज का एंगल होता है, यहां तक 180 डिग्रीज का एंगल होता है, यहां तक 270 डिग्रीज का एंगल होता है, तो ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहां पर ये पूरा एंगल 225 डिग्रीज का, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑल साइन टैन कोसाइन, यहां सिर्फ टैन पॉजिटिव है, साइन इसमें नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो हम यहां पे माइनस साइन लगा देंगे। फिर आपको ये देखना है कि ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 या ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, यहां पे इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, सो नो चेंज, इफ देयर इज ऑड मल्टीपल देन चेंज, इफ देयर इज इवन मल्टीपल देन डोंट चेंज, सो देयर इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है, तो क्योंकि 90 × 2 तो साइन रिमेन साइन, अब इस एंगल को यहां पे लिख दो बस, दैट्स ऑल, साइन 45, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/√2, ये वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है, -1/√2, और कुछ भी नहीं है, ठीक है।
अब ये साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू आपको मालूम है, ऐसी कॉस 225 की, यहाँ पे ऑल साइन टेन को साइन, ठीक है, तो कॉस की भी आ जाएगी सिमिलरली, कॉस के लिए भी हम सेम स्टेप्स करेंगे, 19 इंटू 2 प्लस 45, तो अब कॉस 225 नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे टेन पॉजिटिव है बस, तो माइनस, अब ये इवन मल्टीपल है तो कॉस रिमेन्स कॉस ओनली, और फिर यहाँ पे 45, अब कॉस 45 वन बाई रूट टू होता है और ये माइनस तो आए यहाँ पे, ठीक है, अब टेन 225 के लिए क्या करेंगे, टेन 19 इंटू 2 प्लस 45, 19 इंटू 2 प्लस 45, तो ये कितना बन जाएगा, अब ये आपके पास आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये नो चेंज क्योंकि 19 इंटू 2 है तो टेन रिमेन्स 10 और ये 45 डिग्रीज का एंगल यहाँ पे आएगा, तो ये आ जाएगा 1 या प्लस 1, ठीक है, अब इनके रेसिप्रोकल ले लो, इसका उल्टा आ जाएगा रूट 2, है ना, माइनस रूट 2 ये आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ये आ जाएगा माइनस रूट 2 और इसका रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा, वो तो ईजी है, आ जाएगा बेटा समझ में, तो बिल्कुल ईजी ट्रिक है, ठीक है, चलो आप लिख कर दिखाओ एक बार देखना, लिखना, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, कितना लिखे, 1125 डिग्रीज, 1125 ठीक आ जाएगा, वन वन टू फाइव डिग्रीज, पहले चेक करो ये 1125 डिग्रीज कौन से क्वाड्रेंट में है, आ रहा है सही, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में ही आ रहा है, बस फिर तो इजी हो जाएगा, है ना, हो गई सारी वैल्यूज, ये तो आसान है, 1125 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, ये तो आसान है ना बेटा, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हाँ बेटा ये कितना आ जाएगा, 1125 डिग्रीज 19 टू 12, बस 9 एक कर लो बाकी तो आपको समझ में आ जाएंगे, इनटू 45 ना, यही आया ना, तो अब आप देख लो, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये प्लस आ गया और ये इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रहा, है ना, और ये 45 आ गया तो बिल्कुल इजी है, प्लस 1 बाई रूट 2 सारे वही आ जाएंगे, एक कॉस 45 आ जाएगा, एक टेन 45 आ जाएगा, कर लोगे ना, ये तो इजी है, आसान है, चलो ये करके बताएंगे मुझे, इनकी वैल्यूज निकाल के दिखाएंगे, कॉस 180 डिग्रीज और साइन 180 डिग्रीज, इनकी वैल्यूज निकाल कर दिखाओ बेटा जल्दी से, हाथ रेज करके बताएंगे लाउडली, नहीं, कॉस 180 डिग्रीज और साइन 180 डिग्रीज, बहुत सारे लोगों को तो ये वैसे ही याद होगा, अब आज के बाद याद रखना आप कॉस 180 कितना आता है, करने दो बेटा एक बार सबको, काफी सारे स्टूडेंट ने फर्स्ट डे किया ना, बस 10 एक दिन ही हमको लगेंगे, उसके बाद देन दे विल ऑल कैच अप, ये यूज होता है पूरे चैप्टर्स में, निकाल लिया आपने, कितना आया विशुद्ध आपका, कॉस 180 बताओ, नहीं ऐसे नहीं बोलो बेटा, सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, भूमिका कॉस 180 माइनस 1, कैसे किया आपने, पहले आपने इसको लिख लिया कॉस 90 इंटू 2 प्लस, ठीक है 90 इंटू 2 प्लस 0, अब ध्यान से देखना बेटा, जैसे ना ऑल साइन टेन कोसाइन, अब 90 इंटू 2 है राइट, तो मतलब 90 इंटू 2 तो यहां पर आ गए और फिर प्लस समथिंग, कई लोग सोच सकते हैं कि इसमें कुछ ऐड तो हुआ ही नहीं, ये तो जीरो है, लेकिन ऐसे नहीं सोचना आपको, 19 इंटू 2 करने के बाद चाहे जीरो भी है तो वो अगले क्वाड्रेंट में आ गया इफेक्टिवली, ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे इसको, अब ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, है ना, माइनस, वैसे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है, तो माइनस
और 19 इंटू 2 का मतलब क्या है, 2 मीन्स और इवन मल्टीपल ऑफ 90, सो नो चेंज, कॉस रिमेन्स कॉस, कॉस रिमेन्स कॉस, सो कॉस 0 इज 1 और ये माइनस 1 अपने आप से आ गया। अगर आप इसको ऐसे लिख देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखना यही समझना है आपको, कॉस 90 इंटू 1 इंटू 90, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख लो, मैंने कहा था ना इसको 90 भी बना सकते हैं। तो अब 19 इंटू 1, अब देखो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, 19 इंटू 1 से हम यहां आते हैं और प्लस समथिंग, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 19 इंटू 1 प्लस एनीथिंग, ठीक है, चाहे वो 135 भी हो, यहां पे 135 भी हो तो भी उसको सेकंड क्वाड्रेंट में ही मानना है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपने सपोज यहां 19 इंटू 1 प्लस 135 भी लिख दिया, मैंने कहा था ना शुरू में ये फिर भी काम करेगा, कोशिश किया करो उसको 90 तक ले लो, 0 से 90 तक, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो, अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो पहले तो हम यहाँ माइनस साइन लगा देंगे, अब ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो कॉस का साइन बन जाएगा, कॉस जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो ये चेंज कर जाएगी, कॉस से साइन बन गई और फिर ये 90 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। ये तो बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट चीज है और मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे ट्वेल्थ में भी इसमें लड़खड़ाते रहते हैं, फिर वेव ऑप्टिक्स कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी उनको, ठीक है, एसी का चैप्टर कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, इलेवंथ में ये ज्यादा वेव्स में यूज होता है और वेक्टर्स में यूज होता है, वेक्टर्स के अंदर कई जगह पर आपको मोस्टली कॉस 135 डिग्रीज, कॉस 120 डिग्रीज, ठीक है, ऐसे इन एंगल्स की वैल्यूज निकालनी पड़ती है, ज्यादा नहीं निकालनी पड़ती पर एक बार हम इसको सीख रहे हैं तो सारा ही सीख सकते हैं ताकि कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो चलो ये कौन बताएगा, टैन 240 डिग्रीज और कॉस 240 डिग्रीज, टैन 240 डिग्रीज और cos 240 डिग्रीज कितने आ जाएंगे, देखना tan 240 डिग्रीज और cos 240 डिग्रीज, बिल्कुल इजी है, आप लोगों को तो आता है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार उन्होंने कुछ किया कि नहीं, tan 240 डिग्रीज और cos 240 डिग्रीज, बिल्कुल इजी है बेटा, cos 90 into 2 plus 60 है ना, और tan 90 इंटू 2 प्लस 60 यही तो आएगा, ऑल साइन टेन कोसाइन, तुषार हो गया, कॉस 90 ये कितना आएगा, कॉस 240 हाँ बिल्कुल ठीक है, माइनस 1/2, सबको समझ में आया क्यों, क्योंकि ये इसमें पहली बात कॉस 240 नेगेटिव होना चाहिए तो माइनस साइन, ठीक है, कॉस का कॉस ही रहेगा क्योंकि इवन मल्टीपल है और कॉस 60 होता है 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा, टेन 19 इंटू 2 इंटू 60 हाँ बेटा √3, ये भी सही है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड, ये पहली बात तो ये टेन 240 हैज टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट थिंग, फिर ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 आ गया तो टेन रिमेन्स टेन, तो टेन 60 होता है √3, तो बस ऐसे आंसर आ जाएगा, ईजी है। अब मैं आपको ये दो तीन फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये हर जगह पर यूज होंगे, अभी हमें नेक्स्ट जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वेक्टर्स टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, उसमें यूज होंगे, तो आपको मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, तीन चार ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनको सब लोग सीख लेंगे। अभी लिखना बेटा, पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कहाँ पे आपको इसकी जरूरत पड़ती है, और कुछ बच्चे इन वैल्यूज को डायरेक्टली याद रख लेते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ, लिखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 15 डिग्रीज कॉमा कॉस 15 डिग्रीज and tan 60 degrees, find the values of sin 15 degrees, cos 15 degrees and tan 15 degrees, sin 15, cos 15 and tan 15, ठीक है, और फिर लिख दो, ये फर्स्ट पार्ट बना दो और सेकेंड पार्ट लिखो sin 75 degrees, cos 75 degrees and tan 75 degrees। इसके अलावा बुक्स में बहुत सारी चीजें दी होती हैं, हम सारी चीजें अपने सीक्वेंस में करते हैं, अभी शुरू शुरू में इतनी मैथ्स करनी ठीक है, ज्यादा मैथ्स नहीं फिर इससे ज्यादा, ठीक है, इतनी बहुत है, इसके बिना फिर काम नहीं चलेगा जो अभी हम कर रहे हैं। तो जैसे अगर हमने पूछा आपसे साइन 75 डिग्रीज कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें बेटा हम दो फॉर्मूले आपको बता रहे हैं, ठीक है, देखना एक ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, आपकी टेंथ की बुक में लिखा हुआ है लेकिन मोस्टली बच्चे इसको देखते नहीं है, साइन ए प्लस बी कितने लोगों को आता है, जो पहले पढ़ चुके हैं इलेवंथ मैथ्स वो ना बताएं, कोई ऐसे बच्चे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बताने दो, देवांश आपको आता है, कब सीखा आपने, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कहाँ पर, इलेवंथ वाली मैथ्स कर ली थी आपने, तो स्कूल में एनसीईआरटी की बुक में से सीखा था, बताओ बता दो फिर बताओ, चलो बताओ, हाँ ठीक है सही है बिल्कुल, ये याद करना बेटा इसके बिना काम नहीं चलेगा,
इलेवेंथ की फिजिक्स में इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसको याद करके रखो, साइन ए प्लस बी है ना, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने में आपको हेल्प करेगा ये, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख देंगे 75 को 45 प्लस 30 लिख देंगे, तो अब ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो क्या आएगा, साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, ये आ जाएगा इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, है ना। साइन 45 किसी को भी ए बना सकते हैं, किसी को भी बी, उससे कोई फर्क नहीं, इसको अगर आप ए बनाते हो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्लियर। अब साइन 45 डिग्री सबको मालूम है 1/√2, कॉस 30 डिग्री सबको मालूम है √3/2, ठीक है ना। कॉस 45 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है। और इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 2√2 √3+1, यही आएगा बेटा, बताओ। तो ये एक फॉर्मूला है जो आप याद कर सकते हो, अभी इसकी जरूरत पड़ती रहेगी आपको, अगर ये आता है तो आपको कॉन्फिडेंस अप रहेगा, क्योंकि जहां पे भी ये फॉर्मूला यूज होगा बाकी बच्चों को समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बार इस फॉर्मूले को याद कर लें सभी मेडिकल स्टूडेंट, नॉन मेडिकल याद ना करें, उनको तो अपने आप याद हो जाएगा 15 दिन बाद, वो याद ना करें, ठीक है ना। और मेडिकल वाले याद करके रखें, क्योंकि उनको कभी कोई नहीं कराएगा, ये कभी कराएंगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा, जब आपका नीट का एग्जाम होगा ना, उसके पहले आपको ना जो आप जो छोटी छोटी पतली पतली हेल्प बुक्स बच्चे खरीदते कि चलो 2 साल में तो कुछ किया नहीं, अभी कुछ कर लेते हैं, उसमें पहले पेज पे यही फॉर्मूला लिखा होता है कि मैथमेटिकल टूल्स एट अ ग्लांस, ठीक है। तब बच्चे उनको सबको एट अ ग्लांस में कर देते हैं कि चलो ये मेरे को याद करना है, ये तो पहले से आना चाहिए, ठीक है। साइन ए माइनस बी, बताओ गौतम, ये तो आसान है ना, माइनस कॉस ए साइन बी आ जाएगा सबको, बिल्कुल ईजी है। तो इसका यूज हम कर सकते हैं, ये सेम है ऊपर वाले और नीचे वाले, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, दैट्स ऑल। और इसका यूज हम कर सकते हैं साइन 15 डिग्रीज निकालने के लिए, है ना। तो 45 माइनस 30, ये आएगा साइन 45 माइनस 30। अब यही वाला फॉर्मूला है, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो आप समझ गए होंगे कि √3 - 1/√2 आएगा, ये आएगा सेम, है ना। ये और ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, इसमें बस यहाँ पे माइनस आ गया तो यहां भी माइनस आ गया, इसमें यहां पर प्लस है तो यहां पर भी प्लस है, क्लियर है। तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, सबको आ गया समझ में, कर लोगे बेटा इसको, ठीक है। तो ऐसी कॉस 45 के ऐसी दो फॉर्मूले जो ये हमने फॉर्मूले किए यहां पर, इनको हम सम और डिफरेंस फॉर्मूले बोलते हैं। बेटा बात नहीं करो प्लीज, ठीक है। ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये तो आपको याद करने ही करने है। देखो आई विल कम टू नो हु इज टॉकिंग एंड देन आई कांट टीच, ठीक है, फिर देन आई विल हैव टू स्टॉप द क्लास, बात नहीं करो, उसमें फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। एक बार मैं जल्दी से बता रहा हूँ, इनको कर लो आप, ठीक है। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूले भी आते होंगे, ठीक है। कॉस ए प्लस बी कितने लोगों को आते हैं, ठीक है। तुषार कहाँ किया था आपने याद, ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी अभी, आपने आप किया है। कॉस ए प्लस बी का बताओ, नहीं साइन नहीं आएगा इसमें, हाँ कॉस ए इंटू कॉस बी आएगा, हाँ अभी एक एक तो ये याद रखना बेटा, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, उल्टा है इसमें, यहाँ माइनस है तो यहाँ बीच में प्लस आता है, इसमें साइन की तरह से नहीं चलता, कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी। इसका यूज हम कर सकते हैं किस वैल्यू को निकालने के लिए, कॉस 45 डिग्रीज, कॉस 75, कॉस 75 में यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और कॉस ए माइनस बी कितना आ जाएगा, हाँ बताओ विष्णु बताओ, कॉस ए, हाँ ठीक है सही है, ठीक है। तो ये तो इजी है, गैस करना भी इजी हो गया, लेकिन इन चारों को याद कर लो, ये तो मस्ट है बेटा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, याद कर लोगे इसको, ठीक है। तो उसके बाद देखो इनके यूज कर लोगे ना आप, ये निकालने के लिए देखना, कॉस 45 डिग्रीज कॉस 15 डिग्रीज, इससे कॉस 15 कितना आएगा देखना, क्योंकि ये क्या है 45 माइनस 30, एक बार बेसिक अप्लाई करना, इनको एक बार लिख कर देखो आप, ये प्रैक्टिस ये लिखने वाली, मेरे सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक बार हाथ से लिखना है, लिखने से वो फेमिलियरिटी बन जाती है। cos 45 cos 30 ये है ना, ये
45 माइनस 30 आ गया बेटा रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू, ये याद ना। और अब आप टेन 15 डिग्रीज भी निकाल सकते हो, इसको याद रखने हैं, टेन 15 बहुत जगह यूज होगा। टेन 15 डिग्रीज आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, इसको याद रखना चाहिए रिजल्ट को डायरेक्टली, ये बहुत जगह यूज होता है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है टेन 15 डिग्रीज बताओ बेटा, याद हो जाएगा ये याद रखेंगे रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, जितना चाहिए उतना ही करेंगे हम, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तभी तो मैं बता रहा हूँ, मैं तो कम से कम बताता हूँ, कम से कम मिनिमम। ओके ना, फालतू बैग रह जाएगा, अगर आप फालतू चीजें याद रखेंगे तो जो आपको याद रखना है वो रह जाएगा उसमें, ये 100% होगा हर एग्जाम में, चाहे IIT का एग्जाम है चाहे कुछ। अगर आप फालतू की चीजें करोगे तो जो चीजें जरूरी है वो आपके माइंड से पक्का स्किप होंगी, इसलिए ज्यादा बताते ही नहीं है, कम से कम बताना है, ये कम से कम है मिनिमम। ठीक है, मेनली ये मेडिकल वाले बच्चों की हेल्प के लिए बताते हैं, क्योंकि नॉन मेडिकल वाले तो ये सीख लेते हैं बाद में। ठीक है ना, ये टेन 15 डिग्री सबको समझ में आएगा, कॉट 15 इसी से निकल जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी टेन 15 की, जरूरत पड़ेगी इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, रैशनलाइज करके भी लिख सकते हैं, वो आप लिख लेना, पर ये सिमेट्रिकल है, इसको याद करना ईजी है, इसको इस तरीके से याद करो, इसकी जरूरत पड़ती है प्रॉब्लम्स में। ठीक है, कई सारे टॉपिक्स में आएंगे, ऑप्टिक्स में, वेक्टर्स में, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। टेन 75 भी निकल जाएगा बेटा, बताओ टेन 75 की वैल्यू कौन बता रहा है? हाँ बस उल्टा हो गया, क्योंकि टेन 45 में, ठीक है ना, टेन 75 में रूट थ्री प्लस वन ऊपर आ जाएगा, इसमें नीचे था ना, ये देखो टेन 15 में यहाँ पर था। तो ये याद रखो किसी भी तरीके से, वो आपका काम है याद कैसे करना है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको कम से कम बातें बता रहा हूँ। तो अब इसमें दो फॉर्मूले और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो बच्चों ने पहले किया उनसे आप पूछ लो कि इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो जैसे हमने लिखा cos a प्लस b, तो ये आपको ने लिखा cos a cos b माइनस sin a sin b, ये लिखा ना हमने पहले cos a cos b माइनस sin a sin b। अब इसमें एक स्पेशल केस है, इस फॉर्मूले का स्पेशल केस तब है जब a और b दोनों सेम होते हैं। सपोज a एंड b बोथ आर सेम एंड दे आर बोथ इक्वल टू x, ठीक है, तो ये बन जाएगा cos ऑफ a x प्लस x बन जाएगा 2x। ठीक है, कौन जाएगा बेटा यहाँ, क्या आएगा रोहन बताओ, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x, क्योंकि ये cos x into cos x हो गया, माइनस sin स्क्वायर x। तो आप इसको पहले ऐसे याद कर लो अभी दो मिनट में, क्योंकि इसकी फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, आप ये लगा लो नियरली मैकेनिक्स में, तो हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। cos 2x एनसीईआरटी में भी दिए हुए ये फॉर्मूले लास्ट में अपेंडिक्स में, ठीक है, लेकिन ये आज एक दिन हमारे पास है तो हम इसको यूज कर लेते हैं। अगर a और b दोनों सेम है, मान लो x, तो x प्लस x बन गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये पता चल जाएगा बेटा सबको। इस फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं देखो, इस पूरी की पूरी टर्म को हम सिर्फ साइन की टर्म्स में लिख सकते हैं, सिर्फ साइन की टर्म्स में, उसमें कॉस आएगा ही नहीं। तो कॉस स्क्वायर x की वैल्यू आदित्य कितनी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अगर हमने इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो दोनों मिलकर आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बहुत जल्दी, तो इसको आप याद रखना जब जरूरत पड़ेगी उस टाइम के लिए, ये ऐसे आ जाएगा। तो ऊपर वाला याद रख लें अभी फॉर द टाइम बिंग, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अपने आप से याद हो जाएगा, है ना, ये भी कॉस 2x है। ऊपर वाला याद होगा तो नीचे वाली टर्म अपने आप से आ जाएगी ध्यान में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस पूरे को हम कॉस स्क्वायर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, सिर्फ कॉस स्क्वायर, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट कर दें तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी आज याद कर लो बेटा, है ना, ठीक है। तो जैसे अगर हम आप हमें फाइंड करनी है वैल्यू, देखना अब वैसे ईजी, आपको दूसरा तरीका भी आता है, लेकिन सपोज आपको 1 कॉस ऑफ 120 डिग्रीज फाइंड करना है तो आप, वैसे हमने अभी किया था लेकिन इससे भी कर सकते हैं हम, है ना, इससे, ठीक है ना, cos 120 डिग्रीज, इसको हम बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो इसमें आप तैयार रहो, बहुत बार यहां पर x ही होगा, 2x नहीं होगा, तो जब यहां पर x होगा तो क्योंकि ये हाफ एंगल फॉर्मूला है तो ये वाला एंगल हाफ बन जाएगा x बाई 2,
और ये भी x by 2, तो उसके लिए तैयार हो। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज थीटा, ठीक है, सपोज यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा है, तो ये बन जाएगा थीटा बाई टू, थीटा बाई टू वेक्टर में ये जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम इसलिए इसको याद रखने का ये तरीका है कि ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला। एक और है हाफ एंगल फॉर्मूला, तो साइन और कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूले याद रखने होते हैं। तो ये ऊपर वाला याद होगा तो नीचे दोनों उसी से आ जाएंगे। कॉस 120 देखना बेटा, यहां से 1-2 इस एंगल का हाफ, ये देखना, क्योंकि यहां जितना एंगल है ये एंगल उसका एग्जैक्टली हाफ है, हाफ है कि नहीं, 2x का हाफ। तो यहां 120 है तो यहां पे साइन स्क्वायर 60। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 60 होता है √3/2, और क्योंकि हमने उसका स्क्वायर लिया है, ठीक है, तो √3 का स्क्वायर लेने से 1-3/4 है ना, ये 2, तो कितना आ जाएगा, 1-3/2 इज -1/2। अब प्रॉब्लम यही है, थोड़ा दिन जैसे पास होंगे मेडिकल वाले बच्चे सोचने लगते हैं 1-3/2 -1/2 -1/2 ये कैसे हुआ यार, ठीक है, ये होता है मेडिकल वालों के साथ बस, ठीक है ना। तो वैसे है ही कुछ नहीं, एक में से डेढ़ गया तो कितना आएगा, आधा आएगा, -1/2। एक में से डेढ़ चला गया तो कितना आएगा, 3/2, 1.5 ही तो होता है ना, और 1 में से। लेकिन नॉन मेडिकल वाले, अब यही फर्क है, ये मतलब अच्छे से डिस्क्राइब करता है कि मेडिकल और नॉन मेडिकल की थॉट स्ट्रक्चर कैसे कैसे दोनों रास्ते अलग हो जाते हैं। और जो मेडिकल के बच्चे उस रास्ते के ऊपर नहीं जाते वो बिल्कुल वो टॉप 100-200 वाले रैंक वाले बच्चे होते हैं जो उस रास्ते पे नहीं जाते। बाकी सब लोग अपने आप को बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि यार तू डिजर्व करता है मैथ्स भूलना, तू डिजर्व करता है यार, तू बायो का विद्यार्थी है, मैथ्स का क्या काम है तेरे को, मैथ्स तो तुच्छ लोग पढ़ते हैं, तुच्छ प्राणी, ठीक है। लेकिन जो टॉप 200 वाले लोग हैं वो होते हैं जिनकी मैथ्स अच्छी है, जिनको तो ना। और मैं हमेशा बच्चों को रिमाइंड कराता हूँ, एज डॉक्टर्स यू हैव टू लर्न हाउ टू काउंट मनी, सो प्लीज लर्न मैथ्स, ठीक है, बिल्कुल मैथ्स नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि देखो अब आकाश है, आकाश मेरे को काफी सारी फीस दे देगा, उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन करेगा तो उसे 10 times ज्यादा ले लेगा। आकाश एम आई राइट और रॉन्ग, जब वक्त आएगा तब देखूंगा, हाँ, ठीक है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेटा देखो, मतलब ये कि मैं इसलिए पहले से वार्न करता हूँ मेडिकल वाले बच्चों को, जिनके भी पास मेडिकल है, आपने ये मैथमेटिकल टूल्स सिर्फ नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए, बहुत सारे नॉन मेडिकल वाले भी ये करेंगे नहीं, उनको स्कूल के टीचर्स मिसगाइड करेंगे, क्लास में ये कराएंगे नहीं, बच्चों को ये लगता है कि ये तो जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद जब पहले 2 chapters में उनको घुट्टी पिलाते रहते हैं 9th की फिजिक्स करा करा कर, फिर जब वो सही टाइम आता है असली फिजिक्स आती है तब तक सबकी फीस तो पॉकेट में होती है टीचर्स की, स्कूल टीचर की, वो कहते हैं हम पास तो करा ही देंगे आपको, अब आप आराम से रहो। तो ये एक ना ट्रैप बनाया हुआ है छोटे शहरों में, ठीक है, जो स्कूल टीचर्स ने उन्होंने ट्रैप बनाते हैं और ट्रैप बना के बच्चों को उसमें फंसा कर रखते हैं, और वो बच्चे भी बेचारे वहीं जंप करते रहते हैं, सर प्लीज पास कर देना, एक नंबर और सर एक नंबर, और ये उन बच्चों को कोई बताया बेटा कुछ है ही नहीं, आपने ये फॉर्मूले 10-12 याद रखने, और मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप इन फॉर्मूले को याद कर लो तो आपको पता चल जाएगा इनकी क्या एडवांटेज है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दर्शनी बताएगी, दर्शनी इनकी एडवांटेज है कि नहीं, ये यूज होंगे हर चैप्टर में, ठीक है, चाहे आप रोटेशनल पढ़ रहे हो वहां पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वहां पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते ये कहां कहां पे यूज होगा, नॉन मेडिकल वाले तो कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे नॉन मेडिकल वाले गर्मी की छुट्टियों में ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, कितने लोगों की ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी मैथ्स में, काफी सारों की तो होगी है ना, पर कम की हुई है ना, लेकिन सबकी हो जानी चाहिए। मैथ्स में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री करा देना चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से तो 11th की मैथ्स के बच्चों को, आप लोगों को मैं बोलता था ना पहले ही तो ट्रिग्नोमेट्री कर लो, तो वो ट्रिग्नोमेट्री सबसे अच्छा चैप्टर होता है, उसके बाद सारे चैप्टर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बताओ, ये समझ में आएगा बेटा, बताओ, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। तो ये फॉर्मूले याद कर लो आप, ठीक है, इनकी जरूरत पड़ेगी। बाकी ये ऊपर वाला याद रखना है कॉस 2x, अभी अगर आपको ज्यादा नहीं याद हो तो सबसे ऊपर वाला याद कर लो सब बच्चे, प्रज्ञा आपसे कल पूछूंगा मैं, डोंट एक्सक्यूज योर सेल्फ इफ यू हैव मेडिकल दैट यू डिजर्व टू लूज ऑल योर मैथ्स, आप अपनी मैथ्स को बचा कर रखो, ठीक है। तो एक और बताते हैं बेटा लास्ट, ठीक है, इसके अंदर फिर हमारे फॉर्मूले सारे हो जाएंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कौन बता रहा है, दर्शनी, साइन ए प्लस बी, साइन ए, हाँ देखो इसके पास भी बायो है ना, वो थोड़ा थोड़ा बीच में तंग कर दी, और कॉस ए साइन बी, ये पक्का समझ लो बेटा मेडिकल वाले, ये आपको फॉर्मूले ही आपको सम सेव कर सकते हैं, नहीं तो गए। साइन ए प्लस बी बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तो इजी है, सबको समझ में आएगा। अब इसमें अगर हम ए और बी को इक्वल मानते हैं
तो ये भी x, ये भी x, तो ये साइन 2x बन गया, और ये साइन x cos x, और ये भी साइन x cos x, तो ये आएगा 2 साइन x cos x। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन x cos x, ठीक है। तो cos 2x और साइन 2x के ये फॉर्मूले कम से कम सब बच्चे याद रखें, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इनको हम हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जितना एंगल होता है, यहां पे जितना एंगल है ये एंगल उसका हाफ है, यहां पे जितना एंगल है ये एंगल उसका हाफ है। तो अगर आपको कहीं पर ये लिखा मिले साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो आप प्लीज बुक के ऑथर को गाली मत देना, ठीक है। वो तो बेचारा अपनी जगह ठीक ही है, उसकी गलती है जिसने आपको ये बताया नहीं। अगर टीचर ने ये बताया नहीं कि इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका हाफ, अब नॉर्मली टेंथ क्लास में बताते ही नहीं है कि साइन थीटा को हम और भी ऐसे करके लिख सकते हैं। लोग सोचते हैं साइन थीटा, किसी से पूछो साइन थीटा क्या होता है, बच्चे के लिए साइन थीटा होता है और क्या होता है, ठीक है ना। तो वो ज्यादा इतना सोच नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये समझ में आएगा बेटा, बताओ, ठीक है। तो अभी मोस्टली हमारे पास जो हमारे मैथमेटिकल टूल्स हैं वो खत्म हो गए, तो एक और बात है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा प्रयोग करके दिखाते हैं, दो तीन मिनट यूज कर लेते हैं। अब ये थोड़ा हार्ड है सब बच्चों को कन्विंस करना, लेकिन साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री इतना आता है। ईरा बता दो, चलो माइनस साइन 60, आपको रीजन पता है इतना क्यों आता है? नहीं मालूम, आपको पता रीजन, ठीक है, माइनस साइन 60 डिग्री। तो खैर चलो ये याद कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कई जगह पर ये रूल यूज होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अगर हमें साइन थीटा की डेफिनेशन मालूम है तो इस रूल को सीखना बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी। लेकिन साइन थीटा की डेफिनेशन ही नहीं मालूम होती है, ठीक है। तो मैं फिर से याद कराता हूँ, मैंने दो दिन पहले बताया था, तो या तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, क्योंकि हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे स्टेप। और ऐसे एक फॉर्मूला है कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा। तो मैं आपको साइन थीटा की डेफिनेशन बता रहा हूँ, प्लीज ये मान लेना कि इतनी सिंपल ही है और इससे ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्योंकि बच्चे कहते हैं नहीं कुछ तो और होगा, इतना ईजी थोड़ी हो सकता है, लेकिन ये इतना ईजी है। सबसे पहले साइन थीटा को समझने के लिए एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल का सेंटर कहाँ होना चाहिए? ओरिजिन के ऊपर। सर्कल का रेडियस कितना होना चाहिए गौतम? 1, ठीक है, एक होना चाहिए। तो ये 1.0, ये 2.0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पाप के बताना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0.1 और इसके 0.-1, इसके कोऑर्डिनेट्स 1.-1.0। तो ये तो हमने सर्कल बनाया है, इसका सेंटर ओरिजिन पर है, इसका रेडियस 1 है, ठीक है। तो इससे साइन थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, या साइन ऑफ कोई भी एंगल, जैसे साइन 120, साइन 120 से आ सकता है, इतने छोटे से सर्कल से आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हीरा बताऊंगी क्या करना है। पहले हमें मानना है कि एक रे यहां पर है, पहले हमें यह मानना है कि एक रे यहां पर है, ये एक रे है। अब ये 120 डिग्री के एंगल पर चले जाए एक्स एक्सिस के साथ, मतलब ये यहां पर आ जाए। तो जब ये रे यहां पर आ गई तो सर्कल के ऊपर कौन सा पॉइंट आया? इस रे के यहां से इधर घूमने तक सर्कल के ऊपर कौन सा पॉइंट आया? ये पॉइंट आया। अब इस पॉइंट का कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो अब पहले इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट को और वाई कोऑर्डिनेट को ए कॉमा बी ले लेते हैं। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये एंगल 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। कशिश रेडियंस में कितना बन जाएगा? सोचना नहीं है, 2π/3। हाँ बिल्कुल याद रखो, ये ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इनको टिप्स पे रखो। चलो खैर, क्योंकि ना जब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी ना, तो एमसीक्यूज में क्या होता है बेटा, बहुत कम टाइम होता है डिसीजन मेकिंग का, तो वही आपकी मेमोरी कितनी क्विक रिकॉल है। तो अगर आप बादाम खाने में विश्वास रखते हो तो बादाम खा लिया करो, ठीक है, बट मेमोरी उसकी रिकॉल बहुत जल्दी होनी चाहिए। तो आप बताएंगे साइन 120 क्या होगा? तो जो भी ये एंगल आया, चाहे 135 है, चाहे 225 है, चाहे 1125 डिग्रीज है, चाहे 240 डिग्रीज है, कितना भी एंगल है, अभी ये 120 है। तो जहां पे ये लाइन पहुंची है ग्रीन वाली, जहां पे ये सर्कल को कट कर रही है, साइन 120 डिग्रीज हमेशा उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। और कॉस 120 डिग्रीज क्या होगा? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बस। और टैन 120 डिग्रीज दिस डिवाइड बाय दिस होगा। टैन 120 तो अलग से डिफाइन, साइन और कॉस की ये डेफिनेशन होती है। अब ये डेफिनेशन इसलिए पावरफुल है
कि चाहे एंगल 1,00,000 डिग्री बन जाए, 2 करोड़ डिग्री बन जाए, तब भी साइन थीटा और कॉस थीटा इसी रूल से फाइंड आउट होते हैं। अब यहां पे देखो, आप ये उसकी भी एक्सप्लेनेशन है कि यहां पे साइन पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि यहां पे एक्स को सेकंड क्वाड्रेंट में यदि कोई एंगल है तो ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो कॉस नेगेटिव आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वाई क्वाड्रेंट तो यहां पॉजिटिव है, ठीक है। तो इससे आप वो भी बता सकते हो कि ऑल साइन टैन कोसाइन क्यों काम करता है। अगर ये ज्यादा नहीं समझना तो कोई बात नहीं, इसका बस एक पार्ट करेंगे। तो देखना आप, जैसे साइन 60 डिग्रीज, साइन 60 डिग्रीज, अब ये वाले पॉइंट पे अगर हम सिंपल वो लगाए ना, जैसे हम ये भी 60 ले लें, ये भी 30 ले लें, ये भी 30 ले लें, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा ये ना, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, इक्विलेटरल। तो ये बड़ा इजी है कि हम ये प्रूव कर दें कि इसका वाई कोऑर्डिनेट रूट 3/2 है, बड़ा इजीली पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो जाता है, क्योंकि ये 1 है, ये भी 1, ये भी 1, तो ये बड़ा इजीली प्रूव, ये हाफ हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री से ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो चीज आएगी रूट 3, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो जाएगा कि रूट 3/2 आएगा, और ये आएगा 1/2, ये आएगा 1/2 इस पॉइंट के लिए, अगर ये एंगल 60 डिग्री है। तो cos 60 होता है 1/2 x कोऑर्डिनेट, और sin 60 होता है y कोऑर्डिनेट रूट 3/2। अब देखना, अगर हम -60 डिग्रीज का एंगल लेते हैं, तो -60 डिग्रीज के एंगल का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 1/2 ही आया, मतलब cos ऑफ -60 डिग्रीज वही आया जो cos ऑफ 60 है। तो cos माइनस थीटा हमेशा cos थीटा के इक्वल होता है, cos माइनस थीटा हमेशा cos थीटा के इक्वल है, और sin माइनस थीटा, अब साइन 60 डिग्रीज कितना आएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये आएगा ना -√3/2, ये 1/2 है, तो कॉस 60 1/2, कॉस ऑफ -60 वो भी 1/2, तो यानी कि कॉस ऑफ -60 और कॉस ऑफ 60 तो दोनों सेम आए, लेकिन साइन ऑफ -60 कितना आया, साइन ऑफ -60 ये आया, और साइन ऑफ 60 ये है, तो साइन ऑफ -60 है -sin 60। तो ये दो रूल आप याद कर लो, ठीक है, जितने मैं बता सकता हूँ टाइम फिल अप करने के लिए उतने मैंने बता दिए आपको, ठीक है। उसके बाद जो चीजें हैं वो लेक्चर्स के अंदर ही चलती रहेंगी, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, वो लेक्चर्स के बीच में ही आती रहेंगी, इतना आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ठीक है। टैन माइनस थीटा भी -tan थीटा आ जाएगा, टैन माइनस थीटा वो -tan थीटा आ जाएगा, क्योंकि टैन माइनस थीटा कॉस साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा होगा ये ना, अगर जरूरत पड़ जाए तो। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, वो फिर बताएंगे, ये आएगा साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। अब साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो टेन माइनस थीटा -tan थीटा हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, काइनेमेटिक्स करेंगे बेटा, और नेक्स्ट वीक से जो बच्चे सिर्फ सीबीएसई कर रहे हैं उनको फ्राइडे को टेस्ट देंगे, ठीक है। जो सिर्फ सीबीएसई करने वाले बच्चे हैं उनको नेक्स्ट फ्राइडे से इस टाइम पर टेस्ट देंगे, और जो मेन्स वाले हैं उनके टेस्ट वीक में एक दो दिन हम अलग अलग टाइम पे आपको बताएंगे कैसे उसको ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। तो आप एक दिन उसके लिए ना स्पेयर करके आओ, पूरा दिन फिजिक्स के लिए। तो अभी टेंटेटिवली हमने फ्राइडे को रखा है, अगर जरूरत पड़ी तो फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन कर